आप बता रहे थे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है चलो, तो फिर नोट करो, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज हीट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन क्या है? इट इज अ हीट इंजन विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अ हीट इंजन विच हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी इज नोन एज कार्नोट इंजन। Why it has maximum efficiency? Because it works in reversible conditions, or it works reversibly. Reversible work is maximum, right? Reversible expansion works are maximum. We are aware of that fact. Remember, एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है व्हेन वी आर डूइंग इट रिवर्सिबली, राइट? नाउ अगर इरिवर्सिबली हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होएगा? इट इज गोइंग टू बी मिनिमम। फाइनल प्रेशर कम रखना पड़ेगा आउटसाइड, फाइनल प्रेशर कम रखना, आउटसाइड प्रेशर कम रखना पड़ेगा। सो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे जो वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन रिवर्सिबल एरिया अंडर द कर्व। देयरफॉर कार्नोट इंजन्स हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी बिकॉज दे आर वर्किंग रिवर्सिबली। ठीक है, सो ये एक हम स्टेटमेंट जस्ट नोट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर विच आर देयर एट द टॉप। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, खाली बता रहा है कि हैश ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ओके अभी दिख रहा है। हाँ सर, ओके। हाँ सर, सो हीट इंजन का डेफिनेशन, देन कार्नोट इंजन का डेफिनेशन, एंड कार्नोट इंजन इज वन व्हिच वर्क्स अंडर रिवर्सिबल कंडीशन एंड देयरफॉर इट हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्योंकि वो मैक्सिमम वर्क डन कर सकता है इसलिए उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। ठीक है, बाकी सारे हीट इंजन्स दे मे नॉट बी वर्किंग रिवर्सिबली एंड हेंस दे मे नॉट हैव एज हाई एफिशिएंसी एज कार्नोट इंजन। सो ये एक चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो मुझे वो केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ भी नोट करना था। ये भी नहीं नोट किया था तुमने? सर मैं मतलब मैं बता रहा था बट वो मेरा माइक अच्छे से नहीं चल रहा था तो मैंने दूसरे डिवाइस पे जाकर। चलो ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो या फोटो ले लो एक इसका। ओके, हाँ सर लिया। हाँ इधर के नोट कर लो, ये नोट कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ। Thank you.
तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी 1 होगा? नहीं, राइट? तो इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम एफिशिएंसी. और कार्नोट इंजन जो कि रिवर्सिबली ऑपरेट करता है, देयरफॉर किसी भी प्रोसेस के अंदर में उसकी मैक्सिमम, उसी की मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है. दैट्स द ओनली आर्गुमेंट जो कि अभी मैं नीचे लिखने वाला हूं. यहां तक नोट कर लिया हम लोगों ने? ओके. अब इसमें एक दो छोटी छोटी, हाँ, एक दो छोटी छोटी सी चीजें रहेंगी. जैसे छोटी चीजें मैंने ये बोल, छोटी चीज ये है कि जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम वर्क है, तो मैक्सिमम वर्क डन, वर्क डन जो है दैट इज इन रिवर्सिबल प्रोसेस. अब काउंटर आर्गुमेंट जब आप कंफ्यूज होने वाले रहोगे तो आपको ये आएगा कि हाँ हेलो, हाँ थर्व, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ सर, सर बहुत ब्रेक वाला, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज सर. मेरे लिए तो बराबर आ रही. अरे यार, ये तो बड़ी लफड़ा है. आज थर्सडे तक खाली वेट कर लो, थर्सडे के बाद के सारे लेक्चर्स मेरे सेंटर्स पे रहेंगे. हाँ, डेफिनेटली आई विल सेंड द पीडीएफ एज वेल एज द रिकॉर्डिंग. आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर. 5:30 को छोड़ूंगा, उसके बाद ये चीजें अपलोड करके और सेंड करके फिर मैं निकलूंगा, बाहर निकलना है. तो वो आई लीव आफ्टर दिस, आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस. सी, यहाँ पर मेरा लिमिटेड आर्गुमेंट ये, मतलब एक छोटी सी चीज जस्ट डिस्क्लेमर के लिए, कि हमारे दिमाग में काउंटर एग्जांपल ये आता है कि सर कंप्रेस होने वाला रहेगा तब तो मैक्सिमम वर्क जो होगा वो इरिवर्सिबल वाले का होगा, क्योंकि हम ज्यादा प्रेशर पे उसको कंप्रेस कर रहे होंगे. तो देखो, कंप्रेशन वर्क जो होता है ना, वो हमेशा सिस्टम के ऊपर किया जाता है, ठीक है? सिस्टम वो वर्क नहीं करता है. गेटिंग द पॉइंट? What we, our arguments are always that the work done by system is maximum in reversible process. That means expansion work done by the system. क्योंकि expansion work ही जो होता है वो system करता है. Compression work जब भी होता है, that is always done by the surrounding on the system. Am I making sense? तो compression works जो होंगे वो obviously irreversible वाले maximum होंगे, जबकि एक्सपेंशन वर्क जो होएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल वर्क. ठीक है? आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. हेलो, एक छोटी, मतलब यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं मैं. The work is done by the system on the surrounding The work is done by the system on the surrounding only when system is undergoing expansion.
ड्यूरिंग कंप्रेशन सराउंडिंग does work on also the expansion work by the system is maximum in irreversible process. As Carnot engine being ideal engine. Operates irreversibly and hence does maximum work and has maximum efficiency during operating similar conditions. Is that okay? Yes, sir.
ये पॉइंट समझ में आ गया हम लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड। सी, ये क्यों आर्गुमेंट समझना जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम इफिशियंसी पर वर्क करने जा रहे हैं एंड इफिशियंसी के लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है? और अभी से थोड़ी देर पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है? किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए व्हाट इज द कंडीशन? डेल्टा एस यूनिवर्स शुड ऑलवेज बी इंक्रीजिंग, दैट इज इट शुड आइदर बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो कब होगा? स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल हो, राइट? इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रहेगा तो ग्रेटर देन जीरो, और इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रहेगा तो इक्वल टू जीरो। इज दैट ओके? सो पिछले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से डेल्टा एस यूनिवर्स जो है मेरा, दैट कैन बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है? सो अब यहाँ पे जनरली हम लोगों को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है बच्चों को। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट हम लेते हैं उसमें हम सिर्फ इक्वालिटी कंडीशन को लेते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? और इसके बेसिस पर हम स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों के दिमाग में इंस्टेंटेनियसली ये आता है कि सर यहां पर आप एंट्रोपी, एंट्रोपी तो मैक्सिमाइज जीरो से जब बड़ा होगा तब एंट्रोपी मैक्सिमाइज होना चाहिए, राइट? बट हमारा आइडिया क्या है, हाँ हम किस चीज को मैक्सिमाइज करने की सोच रहे हैं? इफिशियंसी मैक्सिमम चाहिए हमको, ठीक है? इफिशियंसी मैक्सिमम होने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि एंट्रोपी मैक्सिमम होगा तभी इफिशियंसी मैक्सिमम होगा, सर, एक बार राइट? वापस रिपीट कर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, सुन मतलब समझ लो और फिर लिख भी दूंगा, डोंट वरी। सी, हम अभी आर्गुमेंट जो बिल्ड करने वाले हैं कि कोई भी प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस हो रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? अब या तो वो रिवर्सिबली होएगा या इरिवर्सिबली होएगा, दो कंडीशंस है। अगर प्रोसेस हो रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है तभी हो रहा है, अदरवाइज होगा नहीं, ठीक है ना? अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाओ। सो मैं ये आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूं कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस है, और प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है मतलब ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब इसके बाद अगला स्टेप जो हम लेते हैं उसमें ये ग्रेटर देन वाले साइन को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट स्टेप में सीधे सीधे इक्वालिटी साइन के ऊपर आ जाते हैं और आगे के डेरिवेशंस करते हैं। अब यहां पर मिसिंग लिंक ये होता है कि बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ग्रेटर देन साइन है ये गया क्यों, मतलब इसको क्यों हटाया? कोई भी चीज मैक्सिमम हो रहा है तो मैक्सिमम तो इक्वल टू जीरो, इंट्रॉपी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम क्यों हो रहा है? इनफैक्ट इंट्रॉपी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तब मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? तो यहां पर हम लोग को डिस्टिंग्विश इस चीज को करना है अपने दिमाग में थ्रू लॉजिक, थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग, इंट्रॉपी का मैक्सिमम होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपका एफिशिएंसी या वर्क डन भी मैक्सिमम होगा। वर्क डन होना आपके प्रोसेस में या सिस्टम का वर्क करना और सिस्टम की या उस प्रोसेस का इंट्रॉपी मैक्सिमाइज होना आर टू डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है? इफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है? जब हमारा रिवर्सिबल कंडीशन होएगा, ठीक है? और जब रिवर्सिबल कंडीशन होएगा तो एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो जाएगा? जीरो रहेगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इन सच प्रोसेसेस आर गोइंग टू बी जीरो। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, नॉट सिस्टम नॉट सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग का अगर जीरो हो रहा है तो कुछ अलग रीजन से होएगा, बट
यूनिवर्स का ऑल टुगेदर जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए फॉर रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल कंडीशन ही वो कंडीशन है जहां पर यू हैव मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम एंड देयरफॉर यू डेराइव मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो वी आर नॉट ट्राइंग टू डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंट्रोपी। व्हाट इज आवर पर्पस? आवर पर्पस इज टू डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, और टू अंडरलाइन द कंडीशंस, or to underline an expression, quantitative information, to guide us to have a condition of maximum efficiency. ठीक है? And the arguments we are building is starting from consideration of entropy of universe. ठीक है? Now, entropy of universe जब zero होता है, delta change in entropy of universe जब zero होगा, that is the condition when your system is going to have maximum efficiency. Is that right? Why is that? Because that is the condition when your system is operating reversibly, and it is when, I mean, when the system is working reversibly, it is only then that the efficiency of system is maximum. Is that clear? Abhi ye argument samajh mein aaya? Can I write it? सारे लोग समझे? सर बट उस टाइम पर ऊपर ही मैक्सिमम क्यों होता है? क्या क्या? सॉरी, जीरो पे एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों होता है? जीरो पे एफिशिएंसी मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि वर्क डन उसी कंडीशन में मैक्सिमम होता है। रिवर्सिबल वर्क डन ही मैक्सिमम है ना, तो जब वर्क डन मैक्सिमम होगा तभी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी ना, क्योंकि एफिशिएंसी वर्क डन बाय हीट सप्लाइड है। हाँ सर समझा। ठीक है, एस इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब हुआ नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स। If you have more randomness, means you will have more microscopic states possible. समझे अथर्व देश पांडे? तो ये कई एक बार बोला है मैंने ना, लिखवाया भी है। हाँ सर लिखवाया, बट वो ऐसे विजुअलाइज नहीं हो रहा था कि वो क्या है एग्जैक्टली। दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्टेट, ये क्लियरली लिखवाया और क्लियरली विजुअलाइज भी करा है कि रैंडमनेस का मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो और एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स। ठीक है, दैट्स रैंडमाइजेशन और रैंडमनेस। सर परसेंटेज एफिशिएंसी के बाद ये पहली चीज है ना? नहीं यार, परसेंटेज एफिशिएंसी के बाद तो ये आर्गुमेंट्स लिखे हैं ना। दिस आर्गुमेंट वाज देयर व्हिच वाज रिटन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, नहीं ये हो गया है। हाँ तो ये हो गया है, तो बस उसके बाद ये है नेक्स्ट एक्सप्रेशन। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन एक्चुअली मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं, इट्स एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन है मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी
या फिर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन और मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। As the engine operates, therefore, the process must be spontaneous. That means Delta S universe should be greater than or equal to zero. Second argument is the engine will do maximum work. That is, it will or it can have maximum efficiency. That is, it can have maximum efficiency and on as Carnot engine. If it operates reversibly, that means Delta S universe should be equal to zero. Or Delta S system plus Delta S surrounding should be equal to zero. मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए ना। रिवर्सल प्रोसेस पे नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि चेंज होता है ना? क्या क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस में नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज होता है ना? रिवर्सिबल में नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज होता है मतलब? मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज और रिवर्सिबल प्रोसेस एकदम डिपेंडेंट? नहीं, ये कब बोला बोला था क्या कभी मैंने?
नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने ये बोला था या प्रोसेस विच शुड हैपन थ्रू एक्सटर्नल असिस्टेंस इज नोन एज The process which takes place upon external energy assistance are non-spontaneous. खुद से जो नहीं हो सकता है, जिसको किसी external assistance की जरूरत पड़ती है, that is non-spontaneous. They are slow, hence can be reversed in suitably controlled environment. They can be reversed. Only under suitable controlled environment. ठीक है? All the reversible processes are not non-spontaneous processes. These are the processes जिनके पास characteristic होती है कि we can make it reversible more easily. ये चीज यहां पर लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा हुआ है कि it is a reversible process. Is that okay? Hello? वापस हाँ मैं वापस से बोल रहा हूँ. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है अ प्रोसेस विच हैपेंस विद एक्सटर्नल असिस्टेंस. एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी की वजह से जो प्रोसेसेस हो रहे हों या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस विद अ प्रोसेस विच हैज टू बी डन एक्सटर्नली. खुद से वो प्रोसेस नहीं हो सकता था. कोई भी एक चेंज है जो खुद से नहीं हो सकता था, बाहर से किसी डिवाइस या किसी और एनर्जी के साथ एडिशन की वजह से वो प्रोसेस होता है. दोस प्रोसेसेस कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कोई एक चेंज है जो खुद से हो जा रहा है. ठीक है? यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट हैपन. दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस चेंज. इज दैट ओके? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस जनरली बहुत स्लो होते हैं. तो अगर वो बहुत स्लो हो रहे हैं, ऑलमोस्ट निल हो रहे हैं, तो अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मैं उसको धीरे धीरे कराने की कोशिश कर सकता हूँ, रिवर्सिबली कराने की कोशिश कर सकता हूँ. चूंकि रिवर्सिबल का नेचर ये होता है कि वो भी स्लो होते रहता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस वाला स्लो एंड कम एक्सटेंट तक होता है. तो उसमें अगर एक्सटेंट को थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ, सब्सटेंसिव कर देता हूँ through external aid, so it can easily be converted into a reversible process. So यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि non-spontaneous changes को reversible हम with an relative ease convert कर सकते हैं. ठीक है? It's not that non-spontaneous processes are reversible processes. ऐसा कोई claim नहीं किया गया. They are slow, hence can be reversed in suitably controlled environment. Is that okay? ठीक है? बाकी non-spontaneous processes reversible process ऐसा नहीं है. यहाँ पर नेक्स्ट जब यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूं तब एक्सप्लिसिटली लिखा भी है, लिखा ना मैंने स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर देन जीरो, रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू जीरो. एंड सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है, मतलब हेलो अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है. मैंने यहाँ पर सेकेंड लॉ लिखने टाइम पे डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल, डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल प्रोसेस, लेस देन जीरो का मतलब होता है अ प्रोसेस विच इज नॉन हैपनिंग और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेस देन जीरो यूनिवर्स डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस और अ प्रोसेस दैट कांट टेक प्लेस. ठीक है? नहीं टेक प्लेस कर रहा है इसीलिए वो शायद धीरे दिखता है, मतलब दिखता ही नहीं है कि चेंज हो रहा है. नाउ दोस प्रोसेसेस बेसिकली ऐसे है, अगर किसी चीज का निगेटिव वैल्यू है डेल्टा एस यूनिवर्स तो उसको थोड़े असिस्टेंस से आप जीरो पे कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के उसको प्लस पे कन्वर्ट कर सकते हो. राइट?
एक्सटर्नल एफर्ट बहुत ज्यादा लगानी होगी आपको, तब उसको डेल्टा एस पॉजिटिव पर आप लेकर के आ पाओगे। यहां से जीरो पर लेकर के आना आपके लिए ज्यादा रिलेटिवली इजियर रहेगा। दैट इज व्हाट हैज बीन आर्ग्यूड ओवर हियर, यहां पर या वहां पर भी एकदम शुरू में। सो कहीं पर भी ये नहीं बोला है मैंने, या कोई भी नहीं बोल सकता है या बोलता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। हाँ, स्पॉन्टेनियस वाले में दो कैटेगरी है, इरिवर्सिबल का एंड रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल बिना कंट्रोल के खुद से होते जा रहा है, एंड यहां पर कंट्रोल्ड होता है मोस्टली, इसलिए रिवर्सिबल भी होता है, बट स्पॉन्टेनियसली ही होता है। रिवर्सिबल, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर ओनली, दे ऑलवेज हैपन ऑन इट्स ओन। अगर खुद से नहीं हो रहे हैं तो फिर रिवर्सिबिलिटी वाली कंडीशन ही नहीं आ सकती है, नहीं आती है। हेलो, हाँ सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। फिर से नहीं आ रहा है? नहीं सर, सर मेरा ही नेट खराब है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी, आसना, अथर्व, सृष्टि, या आप लोगों को भी नहीं आ रही है? सर आ रही, आ रही, आ रही। ओके, तो यार ठीक है, डू यू वॉन्ट के फोन के साथ कनेक्टेड रहने दो? आ सर थोड़ा ठीक है, चलेगा, नॉट एन इशू। सो मेरा आर्गुमेंट्स आर सिंपल, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल है तो जीरो वैल्यू रहेगी डेल्टा एस यूनिवर्स की। स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो हो गया मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन हैपनिंग प्रोसेस। बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस इज काइंड ऑफ नॉन हैपनिंग प्रोसेस, और अ प्रोसेस विच हैज लेस फिजिबिलिटी टू हैपन और टेक प्लेस, ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस के ऊपर थर्ड राउंड ऑफ डिस्कशन जब करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोस प्रोसेसेस जिसके अंदर फिजिबिलिटी की चांसेस बहुत मिनिमम होती है। मिनिमम होने का मतलब ये नहीं होता है कि होता ही नहीं है, सिर्फ चांसेस मिनिमम होते हैं। चांसेस मिनिमम होने का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ हैपनिंग जो होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब इट्स लाइक कि कोई प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे लॉज ऑफ कंटिन्यूटी आ जाती है, और हम ये इस तरीके से सोचना चालू करते हैं कि अगर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन तक, जैसे 30-40% तक चीजें हो गई तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ प्रोसेस हुआ। अगर प्रोसेस 0.0001% हो रहा है तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि द प्रोसेस हैज टेकन प्लेस और द चेंज हैज टेकन प्लेस, ठीक है। लेकिन अगर 40%, 50% या 70% तक चेंज हो गया है, कन्वर्सेंस हो गए हैं, देन वी कैन कॉल इट कि हाँ द चेंजेस हैज टेकन प्लेस। वी कैन से असर्टिवली और विद सर्टेनिटी दैट यस द चेंजेस हैज टेकन प्लेस। तो ये डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो जो कंडीशन है वो ये बताता है हमको कि द फिजिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ प्रोसेस इज फार टू लो, ठीक है, मे बी 0.1%, 0.001%। अब अगला आर्गुमेंट ये होएगा कि क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं होते हैं? तो यहां पर अगला इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब वही चीज आंसर कर रहा है कि बिल्कुल ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। इवन दोज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैन बी टेकिंग प्लेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट और वेरी स्मॉल परसेंटेज तक वो भी होते हैं, बस उनके होने की फिजिबिलिटी जो है या उस चेंज की वो चेंज जो है परसेंटेज वाइज दैट डज नॉट हैपन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, दैट्स इट, ठीक है। सो ये सबसे आखिरी में आता है, व्हेन मतलब ये सारे डेरिवेशंस के बाद जब मैं फ्री एनर्जी के ऊपर जाऊंगा और फ्री एनर्जी के रेफरेंसेस जब लिखवा रहा हूंगा या इन्फरेंसेस, तब वहां पे इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, एलैबोरेट भी करूंगा, ठीक है। दैट विल बी मोर क्लियर जब मैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर में इन चीजों को यूज कर रहा हूँ मल्टीपल सिस्टम, सॉरी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स में। सो थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर डाउन द लाइन।
एक सेकेंड सर। हाँ बोलो सर, वो डेल्टा एक्स यूनिवर्स इज लेस देन जीरो तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है साफ हो रहा था। हाँ ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट वो पॉसिबल नहीं है का मतलब सी थिंग्स आर नॉट ऑलवेज जीरो एंड वन। पॉसिबल नहीं है मतलब जीरो है और पॉसिबल है मतलब वन। द वर्ल्ड इज नेवर बाइनरी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। सो ये आइडिया भी मैं दूंगा थोड़े टाइम बाद तुमको। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें यस अगर हम बाइनरी फॉर्म में सोच रहे हैं तो यस द आंसर इज जीरो, नहीं हो रहा है, लेस देन जीरो जब है। बट द वर्ल्ड इज नेवर बाइनरी, नथिंग इज बाइनरी। या फिर ऐसे बोलो कि हाँ बाइनरी ही है, बहुत छोटे छोटी चीजों में अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फिर इट विल बिकम बाइनरी, फिर जीरो वन ही रहेगा, यू कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर देख रहे हैं तो इट इज नेवर बाइनरी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं तो इट इज ऑलवेज बाइनरी। अब इट कंफ्यूजिंग। हेलो सी इट्स लाइक एक बड़ा सा चट्टान है, ठीक है, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के गिर रहे हैं। ये इतना बड़ा चट्टान और इसमें से छोटे छोटे चिप्स निकल के गिर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम इट। जैसे हर दो महीने पे आप ट्रेन से अपने गांव की तरफ जाते हो एंड रेलवे ट्रैक से फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर दूर पर, नियर बाय में, 1 किलोमीटर दूर इज क्वाइट नियर बाय, एक बहुत सा बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है जिसको हर बार आप ऑब्जर्व करते हो, फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ा लो गांव आने जाने की, मे बी बाई वीकली जाते हो, सॉरी बाई वीकली बोल रहा हूँ, फॉर्टनाइटली जाते हो 15 दिन में एक बार, तो जब जा रहे होगे जब आ रहे होगे, और मैं यही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसमें से चिप्स टूट टूट के गिर रहे हैं। नाउ फॉर यू एज अ ट्रैवलर और ड्यूरिंग योर ऑब्जर्वेशन पीरियड, डू यू थिंक यू विल सी एनी चेंजेस इन द सिस्टम? No changes, right? So this is a non-spontaneous process for you. Reality क्या है? यहाँ पर रुक करके longer period में observe करोगे तो you will find कि chips disintegrate हो रहे हैं. But the rate of disintegration is such small कि that is not observable. ठीक है? तो change हो रहा है कि नहीं हो रहा है? So 99% of the changes happening or taking place, or in fact all the changes, they can be described in microscopic and macroscopic arguments ya variables ka understanding create karne ke piche idea yahi hai, ya idea yahi tha ki changes ko aap visualize kar pao, theek hai। चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हो रही होती हैं, दे आर ऑलवेज बाइनरी इन नेचर, या तो चेंज हो रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूल या तो मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो चेंज होएगा, या फिर वो चेंज नहीं होएगा। अगर स्टैटिक है तो चेंज नहीं होएगा, दैट्स एब्सोल्यूट, राइट? बात समझ में आ रही है? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें 0-1 बाइनरी लेवल में ही होती हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट एग्रीगेशन जब क्रिएट करते हैं, यानी ये 0-1-0-1 जो है 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स अगर है, अब उसमें से सिर्फ 20-30 या 40 में स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वो जीरो स्टेट में थे और 0 से 1 स्टेट में जा रहे हैं, बाकी के 1 मिलियन जो है, मतलब 1 मिलियन में से 40 में चेंजेस हो रहे हैं, बाकी में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो पूरा सिस्टम कैसा दिखेगा आपको? चेंज होता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है।
Whereas, ये 30-40 के बदले 1 मिलियन में से सपोज 40,000 या 200,000 इतने जो हैं वो अगर चेंज हो गए, उनके स्टेट चेंज हो गए माइक्रोस्कोपिक स्टेट, देन इवन 40K पर इट विल स्टार्ट टू अपियर चेंजिंग विजिबली, इजंट इट? बट 40, 50 या 100 जब तक चेंज होते रहेगा, तब तक वो विजिबली आउट ऑफ 1 मिलियन, अगर 40, 50, 100 चेंज हो रहा है सिर्फ स्टेट चेंज, तो दैट वोंट बी अपीयर टू बी चेंजिंग एट ऑल. मेकिंग सेंस? सर सो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यस इट डज चेंज इन अ बाइनरी फैशन, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें बाइनरी फैशन में चेंज नहीं करती हैं. इट हैपेंस टू बी समथिंग, आई मीन इट अपीयर्स टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट विल बी ट्रू इवन इन केस ऑफ दीज चेंजेस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और व्हाट सो एवर. ठीक है, अभी के लिए इंजन विल डू मैक्सिमम वर्क, दैट इज इट कैन हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एंड कॉल्ड एज करनॉट इंजन इफ इट ऑपरेट्स रिवर्सिबली. दैट मीन्स डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थिंग इज क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है उसके अंदर में हम लोग ये बोल रहे हैं, नो डिवाइस कैन ऑपरेट इन अ साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, और नो डिवाइस कैन बी क्रिएटेड विच कैन ऑपरेट साइक्लिक और ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड कैन हैव कंप्लीट ट्रांसफर. ठीक है, सो कार्नोट इंजन के अंदर भी बेसिकली हमारा एक जो सिस्टमिक ये होता है वो होता ये है कि द इंजन मस्ट बी वर्किंग, द सिस्टम मस्ट बी वर्किंग इन अ साइक्लिक मैनर. दैट मींस देखो इंजन है, उसके अंदर एक गैस होगा, उस गैस पे वो ऑपरेट करेगा, और उस गैस की ही वजह से, क्योंकि वही गैसेस ही जनरली एक्सपैंड कर सकते हैं, और उस एक्सपेंशन की वजह से सिस्टम जो है वो वर्क करेगा. सो द कार्नोट इंजन के अंदर जो वर्किंग मटेरियल होगा दैट हैज टू बी गैस. उस गैस के एक्सपेंशन की वजह से ही द सिस्टम इज गोइंग टू, और द कार्नोट इंजन इज गोइंग टू डू द वर्क. ठीक है, नाउ गैस के ऊपर जो प्रोसेसेस हो रहे होंगे तो प्रोसेसेस हैज टू बी साइक्लिक इन नेचर, सो दैट द गैस एट एंड ऑफ एवरी प्रोसेस सेट, ठीक है, और एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप शुड बी इन द सेम कंडीशन एज इट वॉज एट द बिगिनिंग. ठीक है, दैट विल इंश्योर दैट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, वेन एवर माई प्रोसेस इज गोइंग टू एंड, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल मटीरियल ऑफ माई सिस्टम. ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. अब कोई चेंज नहीं आने आना इज गोइंग टू इंश्योर दैट द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, द हीट कंटेंट, ऑल थिंग्स वुड बी एज सेम एज इनिशियल. ठीक है, वाई इज दैट रिक्वायर्ड? That is required to make sure that whatever we have supplied to the system must have come out of the system in one way or the other. अगर नहीं वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? सिस्टम के अंदर कुछ परमानेंट चेंजेस क्रिएट हो जाएंगे. Is that okay? In order to make sure that the system
के अंदर कोई भी चेंजेस क्रिएट नहीं हुआ हो, द सिस्टम मस्ट हैव टू बी टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस. इज दैट ओके? हेलो, यस सर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, यस सर. वर्किंग मटेरियल सर साइक्लिक मतलब आप कोर्स पाथ में मतलब ऐसा क्या क्या साइक्लिक मैंने मतलब क्लोज पाथ में जैसे राइट राइट No need give it to the system. This will ensure that no name given to the system is retained in the system. That is no permanent change in the system. Bracket mein operating device. The working material. At least you have said what we need. The car not. Engine. Okay, in the car not engine is.
has is chosen to be gas. Gas as they can span or contract with is and hence and hence convert into work. ठीक है, ये आर्गुमेंट समझ में आया है। इसमें बेसिकली दो चीजें मैंने बिल्ड करी। पहला ये Carnot engine has to operate cyclic in a cyclic manner and the material in that has to be gas. ठीक है, तो अब मेरा Carnot engine कैसा हो गया? It's a device. कुछ हीट अंदर आया, कुछ वर्क बाहर गया, एंड प्लस कुछ हीट रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट? ठीक है, इसके अंदर में गैसियस मटेरियल दीज थिंग्स यू गाइस हैव नोटेड। यस सर। Thank you.
delta S system is equal to delta F plus delta S surrounding is equal to zero. Is that okay? अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग ध्यान कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि चूंकि हमारे सिस्टम के अंदर में कोई परमानेंट नहीं चाहिए, डिवाइस के अंदर में कोई परमानेंट चेंज नहीं चाहिए, इसलिए द सिस्टम हैज टू बी वर्क इन अ साइक्लिक मैनर, ठीक है, ऑन इट्स मटेरियल। और चूंकि साइक्लिक मैनर में वर्क करेगा तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो होगा दैट विल बिकम सेम, राइट, एज द इंजन इज वर्किंग इन इन साइक्लिक मैनर, हेंस इट मस्ट hence the final state of the gaseous material will be seen as initial state of gaseous material, ठीक है, thus delta S system will be equal to zero, hence thus delta S system should be equal to zero. This means delta S surrounding should be equal to zero as well. ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? And it is this statement which is going to give us the quantitative expression for efficiency. Delta S surrounding equal to zero for the material inside the system to operate it under a cyclic manner. ठीक है, अब वो cyclic process क्या होता है वो भी discuss कर लेते हैं. That cyclic process is see वैसे साइक्लिक प्रोसेस कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले सकते हैं हम, बट कुछ भी साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं तो उसको एक्चुअली हम लोग ये जो सेट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस मैं ले रहा हूं ना, चार सेट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, चार सेट ऑफ प्रोसेसेस, इसके थ्रू हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पर आते हैं. तो अब अगर मेरा पीवी डायग्राम पर कोई भी जैसे कुछ भी ऑर्बिट शेप का कोई हो प्रोसेस, तो मैं इस ऑर्बिट से प्रोसेस को हमेशा ये जो साइक्लिक प्रोसेस मैं डिस्कस कर रहा हूं विच इज गोइंग टू बी अ सेट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉलोड बाय आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन मैं लिखवा रहा हूं, वो सेट ऑफ चार प्रोसेसेस के फॉर्म में मैं हमेशा अपने पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर सकता हूं या ब्रेक कर सकता हूं इसको, ये बड़ी वाली चीज को ऐसे छोटे छोटे चार सेट ऑफ चेंजेस में ब्रेक कर करके मैं मतलब ऐसे कई एक सारे प्रोसेसेस में ब्रेक करूंगा मैं इसको, इस बड़े प्रोसेस को, एंड आई कैन ऑलवेज रीबिल्ड और
disintegrate this big process into these smaller set of four processes. ठीक है, जैसे इस चार प्रोसेस का या चार स्टेप्स का एक प्रोसेस बनाते हैं, ऐसे या सिंगल स्टेप बनाते हैं, चार स्टेप का ये सिंगल, कैसे बोलूं, ओके, चार स्टेप का, फोर स्टेप का सिंगल साइकिल, सिंगल साइकिल. ठीक है, नाउ इस बड़े साइकिल को मैं ऐसे न्यूमेरस सिंगल साइकिल्स में ब्रेक कर सकता हूं या ब्रेक हो जाएगा. नाउ द शेप द बिहेवियर ऑफ दिस बिग साइकिल कैन बी एनीथिंग, बट दिस बिग साइकिल कैन ऑलवेज बी ब्रोकन डाउन इनटू दिस सिंपल सिंगल साइकिल. और ये सिंगल साइकिल का जो कैरेक्टर होगा, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. And it is possible to break them this into such single cycles. ठीक है, ये single cycle का nature कैसा होता है? This is going to consist of four steps. Those four steps are the cyclic process underwent by driven by the system in one single cycle. Cyclic process underwent by the system in one single cycle consists of four steps. Step 1, isothermal adiabatic expansion. This adiabatic expansion step can also be referred as, yes, sure, you can leave the call. Aur desh padne ka hai. Adiabatic expansion or adiabatic expansion ke baad mein, मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइसो इंट्रॉपिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इंट्रॉपी चेंज नहीं होएगा इसमें. इज दैट ओके? स्टेप थ्री जो होता है, दैट इज अगेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एंड स्टेप फोर इज
adiabatic compression. This is again isoentropic process. सर आपने ना वो एक पॉइंट दिया था इसके पहले के बोलो दो पॉइंट्स के पहले सर उसमें क्लाइंट ने बता रहा था कि ऑपरेटिंग साइकिल में इंश्योर दैट द वर्किंग मटेरियल इन द सिस्टम मस्ट अंडरगो उस टेक्निक चेंज टू एंश्योर दैट नो गिवन टू द सिस्टम मतलब ये कि जो भी उसको हीट प्रोवाइड हाँ इट रिटेन्ड इन द सिस्टम उसमें यही लिखा है ना कि नो हीट गिवन टू द सिस्टम इज रिटेन्ड इन द सिस्टम दैट इज नो परमानेंट चेंज इज क्रिएटेड इन द सिस्टम दैट इज ऑपरेटिंग डिवाइस अगर कुछ हीट उसमें हर साइकिल में रहने लगेगा ठीक है तो व्हाट विल हैपन द सिस्टम विल स्टार्ट अंडरगोइंग सम चेंज उसमें हीट एक्युमुलेट होने लगेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर हीट होने लगेंगे थोड़े देर में पिघल जाएंगे राइट हाँ सर सो सिस्टम के अंदर कोई परमानेंट चेंज ना क्रिएट हो इसलिए ये जरूरी है सिस्टम्स विल मस्ट वर्क इन अ साइक्लिक मैनर राइट So it is going to compose of these four steps. I can draw a PV diagram. So this is A, B, this is isothermal expansion, this one is adiabatic expansion, this one is again isothermal compression,
compression. This is adiabatic compression. This is pressure volume graph. Is this okay? अब एक चीज हम लोग ये समझते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं. और ये दो प्रोसेसेस जो हैं, ये दो छोटे सब पार्ट्स जो हैं, इनमें डेफिनेटली क्या हो रहा है, वी कैन वेरी बी श्योर दैट देयर इज नो हीट एक्सचेंज व्हिच इज हैपनिंग. ठीक है, इट इज ओनली दीज टू स्टेप्स जिसमें हीट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम. सो ये दो प्रोसेसेस जो है, क्योंकि हीट चेंज नहीं हो रहा है एंड दे आर ऑल्सो एडियाबेटिक है, इसलिए आइसोइंट्रोपिक भी होगा. एंट्रोपी चेंज तो हो नहीं रही है, एंट्रोपिक है. सो आइसोइंट्रोपिक सिस्टम के लिए अगर आइसोइंट्रोपिक है तो सराउंडिंग के लिए भी आइसोइंट्रोपिक होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये पाथ भी रिवर्सिबल है, ये पाथ भी रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल मतलब दोनों के लिए सम टोटल हैज टू बी जीरो. और इसमें अगर गैस का जीरो वैल्यू है तो इसमें भी, सॉरी, इस पाथ में अगर गैस के का वैल्यू जीरो है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, तो यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो होगा. और यहां पर भी, सॉरी, यूनिवर्स बोल रहा हूँ, सराउंडिंग का चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा. और सेम आर्गुमेंट से इस वाले प्रोसेस में भी चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग हैज टू बी इक्वल टू जीरो. सो अब बेसिकली मैं यहां पर जो आर्गुमेंट शुरू से बिल्ड कर रहा था, दैट वॉज माई फर्स्ट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट नंबर वन. इससे मैं स्टेटमेंट नंबर टू पर आया. सो बेसिकली एक्सप्रेशन नंबर टू, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूं, बट दैट इज यस एक्सप्रेशन नंबर टू. I got into a one of the subsets. फिर cyclic बनने के बाद I re-devised into a third statement, that is this. ये वाला किस logic से zero हो गया, क्योंकि process cyclic है. और delta S, S क्या होता है, S is a state function. तो किसी भी cyclic process में state function का changes क्या रहेगा, हमेशा zero रहेगा. Is that okay? Yes. As S is a state function. ठीक है. अभी मैं फिर से अब सो थर्ड वाले ये एक्सप्रेशन को, अब डेल्टा S सराउंडिंग को मैं ब्रेक डाउन करता हूं फॉर द प्रोसेस. डेल्टा एस सराउंडिंग इज नथिंग बट डेल्टा एस इन पाथ ए बी प्लस डेल्टा एस इन पाथ बी सी प्लस डेल्टा एस, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग. डेल्टा इसको ऊपर में प्रीफिक्स या फिर ऐसे करते हैं, नीचे में सराउंडिंग और ऊपर में पाथ का नाम. ठीक है, दिस इज सराउंडिंग फॉर पाथ ए बी, सराउंडिंग फॉर पाथ बी सी, सराउंडिंग फॉर पाथ सी डी एंड डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर पाथ डी ए. इसमें से दो वैल्यू जो है क्लियरली जीरो हो जाएंगी. व्हाट आर दोस, दीज टू वैल्यूज आर डिस्टिंक्टिवली जीरो. ठीक है, आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस है. तो आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस है अगर एंड द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, सिस्टम के लिए तो जीरो होगा ही, सराउंडिंग के लिए भी जीरो हो जाएगा. ठीक है,
Is that okay? BC and DA paths are adiabatic and reversible. That is delta Q rev system is equal to delta Q rev surrounding is equal to zero for both these processes. Hence, delta S surrounding BC is equal to delta S surrounding CD will be equal to zero. ठीक है? अब यहां पर दो बाकी के प्रोसेसेस बचते हैं. क्या हुआ? सॉरी सीडी नहीं, डीए 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 डीएस. आई एम सॉरी, यहां पे एक गलती हो गई. बीसी एंड डीए. हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो. हेलो हर्षित, व्हाट इज योर पॉइंट बच्चा? हेलो सर. हाँ बोलो. तो सर वो माइक का प्रॉब्लम था. सर वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वो दोनों. हेलो सर. हाँ सो उधर एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन है आइसोट्रॉपिक क्यों, मतलब आप आइसोट्रॉपिक क्यों? नहीं समझा, फिर से बोलो एक बार. बीसी और डीए आइसोइंट्रोपिक क्यों है? क्योंकि एडियाबेटिक है. एडियाबेटिक का मतलब डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू जो है वो जीरो है ना प्रोसेस में. ठीक है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट नहीं गया. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? हीट चेंज, डेल्टा क्यू ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो और सिमिलरली डेल्टा क्यू ऑफ द सराउंडिंग विल आल्सो बी जीरो. ठीक है, डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रेफ बाय टी इंटीग्रल. तो डेल्टा क्यू अगर कोई जाए ही नहीं तो ये इंटीग्रल ऑब्वियसली विल सम अप टू जीरो. सो पहले वाले पार्ट में भी सिस्टम के लिए भी जीरो हो जाएगा और ऑब्वियसली सराउंडिंग के लिए भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो रिवर्सिबल है क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है. Is that okay? हाँ. बात समझ में आ गई? Yes, sir. Very good.
Hence delta S surrounding for path BC is equal to delta S surrounding for path DA is equal to integral Q rev by T integral is equal to zero as Q rev is equal to zero. ठीक है? ये आर्गुमेंट होने की वजह से अब हमारा क्या हो गया, डेल्टा एस सराउंडिंग जो हो गया उस पूरे प्रोसेस के लिए वो क्या हो गया, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर पाथ ए बी एंड पाथ सी डी. Path AB plus delta S surrounding for path CD. ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम लोग को ध्यान देना होगा कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है और ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें कॉम्प्रेशन हो रहा है. द आइडिया इज दिस कि यहां पर हीट जो है वो सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है सराउंडिंग से. ठीक है, इट इज दिस स्टेप वेयर सिस्टम इज एक्सेप्टिंग द हीट फ्रॉम सराउंडिंग. ठीक है, हीट का मतलब वो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक नहीं, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक नहीं, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो कर रहा है. उस हीट को लेकर के ये एक्सपैंड कर रहा है और उस एक्सपेंशन में ये कुछ वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर. ठीक है, एंड दिस इज द ओनली वर्क इट इज डूइंग. मतलब यहां पर वर्क कर रहा है, यहां पर भी वर्क कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क तो कर ही रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क कर रहा है. क्यू सिर्फ जीरो है तो यहां पर भी कुछ वर्क कर रहा है. यहां पर इसके बाद वाले स्टेप्स में इट इज द सराउंडिंग विच हैज स्टार्टेड डूइंग वर्क, कॉम्प्रेशन होने लगा सिस्टम का और इसमें तो कोई हीट बाहर नहीं निकल रहा है, बट दिस इज द स्टेप जहां पर सम हीट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम एज वेल. ठीक है, सम हीट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम. सो वहां पे हीट इन हुआ और यहां पर हीट आउट हो रहा है. हाँ बोलिए ना. तो मतलब वैसा ही ना कि अगर हम लोग ऐसे देखेंगे कि ए से सी पॉइंट तक वन वे प्रोसेस है, फिर उसके बाद मतलब कि वन वे प्रोसेस है. हाँ एग्जैक्टली, दिस इज एक्सपेंशन प्रोसेस ए से सी तक और सी से ए तक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है. ठीक है, ऑल्सो
इसमें से दो पार्ट से ए से बी तक इट इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट, और बी से सी में इट्स एडियाबेटिक, ठीक है, यानी नो हीट इज एक्सचेंज, हाउएवर हीट का एक्सचेंज जो है वो सिर्फ ए से बी के बीच में हो रहा है. जब प्रोसेस इज इन ए टू बी डोमेन, इट इज ओनली दैट पॉइंट व्हेन हीट इज बीइंग एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, एंड द नेचर ऑफ एक्सचेंज इज द सिस्टम इज एक्सेप्टिंग द हीट फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. द सिस्टम इज एक्सेप्टिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. इज दैट ओके? यस सर. Okay. In this part, what is happening? Heat is being rejected from the system to the surrounding. It is here that heat is being taken in. Or is portion mein kya ho raha hai? Heat is being rejected. Is that okay? और बाकी पूरे प्रोसेस में वर्क तो हो ही रहा है, जैसे यहां पर वर्क हो रहा है, यहां पर वर्क हो रहा है. सो ओवरऑल चीजें क्या हो जाएंगी, यहां पर जो हीट हमने सप्लाई किया वो इस फॉर्म में एग्जिट किया सिस्टम से या रिजेक्ट हुआ सिस्टम से, एंड रेस्ट जो हीट हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, दैट इवॉल्व्ड एज वर्क. इज दैट ओके? Also, चूंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग से सिस्टम में, दैट मीन्स यहां पर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा दैट हैज टू बी हायर, तभी तो नेचुरल फ्लो होगा हीट का सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है. और रिजेक्शन टेम्परेचर जो रहेगा सराउंडिंग का, जिस जगह पे सराउंडिंग को रिजेक्ट कर रहा है टेम्परेचर हीट, वो टेम्परेचर कम रहना चाहिए. इज दैट ओके? से दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, पी सिस्टम अगर है, खैर ये तो चेंज होता रहेगा, बट ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, दिस कैन बी रेफर्ड एज पी सोर्स, हायर टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज पी सिंक टेम्परेचर. पी सिंक टेम्परेचर, सिंक इज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स हीट फ्रॉम द सिस्टम. Source, a device or a device which supplies heat to the system. ठीक है? Source क्या है? Heat source. A device which supplies heat to the system. P source का मतलब temperature of the source. Heat sink a device which absorbs heat rejected by the system. Temperature of the sink. ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखते हैं. टी सोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम
एंड टी सिंक, ये ऑर्डर हमेशा इसी तरह का रहेगा। टी सोर्स जो रहेगा टी सिंक से हमेशा ज्यादा रहेगा। अब हम लोग आते हैं फिर से अपने डायग्राम के ऊपर। ये नीचे वाली चीज को नोट कर लो, फिर डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा आता हूं मैं। ये इंफॉर्मेशन को नोट कर लो। एक्चुअली टी सोर्स को ना टी एच हम लोग लिख लेते हैं, टी सोर्स दैट इज टी एच हॉटर इसको, एंड ये टी सिंक जो है दैट विल बिकम टी लोअर। Noted. Yes, sir. Okay. यहां पर सपोज हीट जो इन कर रहा है दैट इज क्यू वन, एंड द हीट विच इज बीइंग एक्सपेल्ड इज मे बी क्यू थ्री या क्यू टू, वॉट एवर वी वॉन्ट टू कॉल। दिस इज क्यू वन विच इज एंटरिंग द सिस्टम एंड क्यू थ्री इज वॉट लिविंग द सिस्टम। ठीक है, Q1 is heat coming into the system, Q3 is the heat which is going out of the system. Is that okay?
नाउ delta s surrounding is equal to delta s surrounding AB plus delta s surrounding CD. अभी delta s surrounding AB क्या होगा? Integral डेल्टा क्यू बाई टी. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो दिस एंटायर थिंग विल सिंपली ट्रांसफॉर्म इनटू दिस विल बी फॉर पाथ ए बी एंड सिमिलरली इट विल बी फॉर पाथ सी डी. इंटीग्रल डेल्टा क्यू टी या डी क्यू टी कर लेता हूं. रिवर्सिबल चुके रहता है इसलिए आई वी कैन टेक डी क्यू टी ऑल्सो. देर इज नो इश्यू. ठीक है फॉर पाथ सी डी. अब पहला वाला जो होगा दैट विल सिंपली बी सराउंडिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं. सराउंडिंग के लिए चेंजेस देख रहे हैं. अच्छा सराउंडिंग जो है वो हीट दे रहा है पाथ वन में भाई ए बी पाथ में या हीट ले रहा है? इज इट गिविंग हीट और टेकिंग हीट? फर्स्ट पार्ट में सर. हाँ फर्स्ट पार्ट में वो दे रहा है. ठीक है और सिस्टम ले रहा है राइट. नाउ इफ यू गिव ठीक है हीट गिवन टू अ सिस्टम इज व्हाट? पॉजिटिव. सिमिलरली हीट गिवन टू अ सराउंडिंग शुड बी पॉजिटिव. और सराउंडिंग के लिए जो हीट वो दे रहा है मतलब जो भी चीज हीट देता है सपोज ए जो है वो हीट दे रहा है तो ए के लिए वो हीट की क्वांटाइजेशन किस फॉर्म की रहेगी? पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगी. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? इट इज द सराउंडिंग विच इज गिविंग द हीट. तो सराउंडिंग के लिए हीट कंटेंट क्या होगा? इज इट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? इट्स डिक्रीजिंग. सराउंडिंग जब सिस्टम को हीट देता है तो हीट फॉर सिस्टम इज पॉजिटिव क्योंकि उसका हीट इंक्रीज करता है. हीट कंटेंट इंक्रीज करता है. सराउंडिंग हीट दे रहा है तो सराउंडिंग के लिए हीट चेंज जो होगा दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव वैल्यू. सो अगर क्यू वन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्यू वन हीट का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हीट चेंज फॉर सराउंडिंग इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी माइनस क्यू वन. Is that okay? Minus Q1 by TH. ठीक है ये दूसरे पार्ट पर हम लोग आते हैं. हीट Q3 जो रिजेक्ट हो रहा है सराउंडिंग में ठीक है वो सराउंडिंग के लिए कैसा है? That is a heat which it is receiving. Is that okay? Hello. सर इसके पहले वाला वापस एक बार सुन. मतलब इसके पहले वाला as in minus Q क्यों ले रहा हूं? Q is the amount of heat which surrounding is giving to the system. ठीक है Is that okay? तो अगर सराउंडिंग का मुझे एंट्रोपी चेंज लेना होगा तो सराउंडिंग को वो हीट मिल रहा है या वो दे रहा है? तो सराउंडिंग वो हीट दे रहा है. सराउंडिंग इज गिविंग अवे दैट हीट. तो उसकी एंट्रोपी चेंज किस तरह की होगी? विल इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव?
इट हैज टू बी नेगेटिव, डिक्रीज करेगा उसका एंट्रोपी ना. इज दैट ओके? मेकिंग सेंस? सो इफ क्यू वन हीट इज ट्रांजेक्टेड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, फॉर सराउंडिंग द एंट्रोपी चेंज इज सिंपली गोइंग टू बी माइनस क्यू वन बाई टी एच. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Sir, वो temperature सोच क्यों होगा? क्या? T सोच क्यों होगा? हाँ, T source इसलिए होगा क्योंकि ये entropy किसका लिख रहे हैं हम लोग? Entropy change surrounding का. Surrounding. और सराउंडिंग जो हीट दे रहा है वो टी सोर्स पर दे रहा है, टी हायर टेम्परेचर पर दे रहा है, टी सोर्स के टेम्परेचर पर हीट सप्लाई कर रहा है सिस्टम को. इज दैट ओके? मतलब सिस्टम का टेम्परेचर उस समय 300 या 400 केल्विन है, तो ऑब्वियसली सोर्स का टेम्परेचर हैज टू बी हायर देन 400 केल्विन. उसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो हीट सप्लाई करेगा सिस्टम को या एनर्जी सप्लाई करेगा सिस्टम को. ठीक है, तो फिर वो हीट करेगा क्या? सॉरी, टेम्परेचर चेंज की वजह से वो हीट सोर्स एक्ट करेगा. हीट सोर्स क्यों एक्ट करेगा? हीट सोर्स का तो काम है सिर्फ हीट सप्लाई कर देना, काम तो सिस्टम को करना है ना. वो जो हीट आया उसकी वजह से सिस्टम काम कर रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है उसका, राइट? हाँ सर. ठीक है, अब चूंकि सराउंडिंग जो है यानी सोर्स, यहां पर सोर्स इज सराउंडिंग विच इज गिविंग दैट हीट टू द सिस्टम, तो सोर्स का हीट कंटेंट जो हुआ क्यू अमाउंट से कम हुआ, माइनस क्यू वन लिख लिया हमने, एंड इसको डिवाइड किया टीएच से, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो हीट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसकी एंट्रोपी चेंज जो हुई दैट इज नथिंग बट माइनस क्यू वन बाई टी एच. ठीक है, सीडी प्रोसेस के लिए क्या होगा? सर क्यू वन बाय क्यू वन क्यों होगा? सॉरी क्यू टू बाई, हाँ क्यू थ्री, क्यू थ्री बाई, क्यू थ्री बाई टी एल. साइन क्या रहेगा? प्लस या माइनस? सराउंडिंग. नहीं नहीं सर. बोलो बोलो. सब प्लस होगा ना? प्लस होना चाहिए. परफेक्ट, सो इट्स गोइंग टू बी प्लस क्यू थ्री बाय टी एल. ठीक है, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो. इज दैट ओके? यहीं से बेसिकली हम आ रहे हैं नीचे ना, so it has to be zero. Am I making sense? Yes, sir. यहां तक नोट कर लिया? कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज? यस सर.
माइनस क्यू वन बाई टी एच प्लस क्यू थ्री बाई टी एल शुड बी इक्वल टू जीरो डेल्टा एस सराउंडिंग दैट एम्प्लाइज क्यू वन टी एच is equal to Q3 by TL or TL by TH is equal to Q3 by Q1. और हाँ फॉर सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवेन टू इट या क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट इज गिवेन टू इट, इसमें से क्यू थ्री अमाउंट ये रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, और W अमाउंट ऑफ वर्क ये करता है, इज दैट ओके? हीट रिजेक्टेड निगेटिव, केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो, और W रिजेक्टेड इज या वर्क डन इज ऑल्सो निगेटिव, तो बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप जो आएगा केमिस्ट्री में कर रहे होंगे तो या फिर फिजिक्स में कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा Q1 माइनस Q3, Q3 इज गोइंग आउट सो आई विल सबट्रैक्ट इट शुड बी इक्वल टू W, इज दैट ओके? Q1 पॉजिटिव माइनस Q3 इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. अच्छा, दिस विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू इन केस ऑफ केमिस्ट्री एंड इन केस ऑफ फिजिक्स इट विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. इज इट ओके? क्यू वन माइनस क्यू थ्री इज इक्वल टू डब्ल्यू. द डिफरेंस ऑफ क्यू वन, अरे Q1 हीट सप्लाई हुआ सिस्टम को, Q3 उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो काम कितना करेगा? W. हाँ सर, हाँ. तो Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू W. इज दैट ओके? और इस चीज से मैं ये लिख सकता हूं Q3 इज इक्वल टू Q1 माइनस W. राइट, एंड आई कैन पुट इट ओवर हियर, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? टी एल बाई टी एच इज इक्वल टू क्यू वन माइनस डब्ल्यू बाई क्यू वन एम्प्लाइज टी एल बाई टी एच इज इक्वल टू वन माइनस डब्ल्यू बाई क्यू वन or this comes to the left W by Q1 is equal to 1 minus TL by TH. TL is T source, sorry, T sink, lower temperature, T sink. And TH is hotter temperature or T source. Is that okay?
दिस इज नथिंग बट W बाई क्यू वन, और W बाई क्यू वन क्या है, दैट्स द इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम. और इफिशियंसी ऑफ आर कार्नोट इंजन, ठीक है सर, ये W by Q1 कोई एटा बोलते हैं? हाँ, W by Q1, work done by heat supplied is efficiency. अब देखो यहां पर मैं बस ये बोल रहा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा, अगर फिजिक्स के लिए देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू होगी. और अगर केमिस्ट्री के लिए देख रहे हैं तो इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है. कैसे आएगा, सपोज 5 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई होती है सिस्टम को, ठीक है, उसमें से 2 जूल ऑफ एनर्जी वो रिजेक्ट कर देता है तो बचा कितना उसके पास, 3 जूल ऑफ एनर्जी, और वही 3 जूल ऑफ एनर्जी वो वर्क करने में लगाएगा. अब चूंकि सिस्टम वर्क कर रहा है तो केमिस्ट्री उस वर्क को कैसे बोलेगा, इट्स -3 जूल, ठीक है. -3 जूल जैसे ही बोलता है केमिस्ट्री, मतलब यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा. वो -3 जूल जो बोल रहा है वो तो सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशनल वे है ना, ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी उसकी 3 यूनिट्स कम हो गई है वर्क करने, मतलब कम वर्क करने से उसकी 3 यूनिट एनर्जी कम हुई है, बट उसके पास 3 यूनिट एनर्जी जो बचा हुआ था वही तो वो कम कर रहा है ना, सो दैट अपने स्टेट को मेंटेन कर सके. और उस चीज को चूंकि डिक्रीज इन एनर्जी हो रहा है सिस्टम का वर्क करने में, इसलिए उसको -3 हम बोलते हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम इज -3 जूल का मतलब सिस्टम इज डूइंग दैट वर्क, राइट. तो ये एक्सप्रेशन जो है, जो फिजिक्स में अगर हम डील कर रहे हैं, मतलब ये सारा डेरिवेशन मैंने फिजिक्स के लिए किया है, इसमें इस चीज को समझना रिलेटिवली आसान है. 5 जूल ऑफ हीट अगर सप्लाई किया जिसमें से 2 जूल रिजेक्ट किया गया तो काम कितना किया सिस्टम ने, 3, और वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा जो कि यहां पर आ जाएगा. अगर इस चीज को हमें केमिस्ट्री में लिखना होगा तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा मैं, आई विल राइट इट एज Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू -W. इज दैट ओके? और ये चीज जब सब्स्टिट्यूट करूंगा इंस्टेड ऑफ दिस, यानी Q3 विल बिकम इक्वल टू व्हाट, Q3 को इधर लेकर के आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस W बाई Q1, इज दैट ओके? तो इसको इधर लेकर के आऊंगा फिर मैं, तो माइनस ये रहेगा, या फिर इसको इधर लेकर के आता हूं और ये प्लस साइन रहता, ये इस तरफ आता तो -W बाई Q1 रहता एंड 1 माइनस P, ये सेम चीज रहता, यहां पर सिर्फ माइनस साइन आ जाता. वो माइनस साइन क्यों रहता, क्योंकि मेरा वर्क, एक्चुअल वर्क जो है दैट इज नेगेटिव इन सेंस, उसकी नेगेटिव वैल्यू है, और उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट केमिस्ट्री का वर्क इज नोटेशनली नेगेटिव और नोशनली नेगेटिव, राइट. बात समझ रहे हैं हम लोग, उसका इंटरप्रिटेशन ही निगेटिव होता है ना, वो एक्चुअली निगेटिव थोड़ी होता है, ठीक है. सो अगर केमिस्ट्री के लिए हम यही एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, सिर्फ ये एक्सप्रेशन जो है ना, दिस एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एक्सप्रेशन W is one, ठीक है. तो लास्ट वाला जो है, ये वाला फ्रैक्शन जो होगा, जैसे मैं कर देता हूं, अगर मैं इसको ये वाली चीज रिप्लेस ना करके इधर साइड में लिख देता हूं ब्लू से, ठीक है. अगर मैं सेम चीज को ये लेकर के चलता हूं, Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू -W, तो Q3 क्या हो जाएगा मेरा, Q3 विल बी इक्वल टू Q1 प्लस W. Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस W, देयरफॉर TL बाई TH is equal to, यहां पर क्या है,
Q3 सॉरी ये क्या था Q3 बाई Q1 था ना, तो यहाँ पर Q3 बाई Q1 Q3 के बदले Q1 प्लस W Q1 प्लस W बाई Q1 डालता हूँ, दैट इम्प्लाइज TL बाई TH इज इक्वल टू 1 प्लस W बाई Q1, ठीक है। इसको लेफ्ट इसको राइट लेकर के आता हूँ तो क्या हो जाएगा, या फिर 1 को लेते आता हूँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में TL by TH minus 1। केमिस्ट्री के लिए ये कर रहे हैं तो इट हैज टू बी निगेटिव W, माइनस W। क्यों माइनस चाहिए, क्योंकि W जो है मेरा इनहेरेंटली निगेटिव है तो उसको प्लस करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो एफिशिएंसी मेरी निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। सो माइनस W विल मेक इट 1 माइनस TL by TH, ठीक है। और इफिशियंसी जो होगी मेरी वो माइनस W by Q रहती है, 1 माइनस TL by TH। इज दैट ओके? हाँ बोलो ना सर। ये अगर हमने केमिस्ट्री को W by Q लिया तो फिर फिजिक्स के लिए माइनस W by Q, क्या क्या? नहीं नहीं, फिजिक्स के लिए W by Q1 होता है, केमिस्ट्री के लिए माइनस W by Q1 एफिशिएंसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है फिजिक्स के लिए वो पॉजिटिव होता है, और केमिस्ट्री के लिए वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस W होता है, सॉरी W जो होता है वो निगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव इनहेरेंटली, ठीक है। तो उस निगेटिव वर्क डन को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए एफिशिएंसी का डेफिनेशन जो होता है केमिस्ट्री में एफिशिएंसी इज इक्वल टू माइनस W by Q, और फिजिक्स में इट इज फॉर फिजिक्स एफिशिएंसी इज W by Q, where W is the work done by the system and Q is the heat supplied to the system। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है ना, कोई इश्यू नहीं है ना? हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल लो। नहीं सर, नहीं। क्या क्या? सॉरी, ठीक है चलेगा, दिस इज फॉर फिजिक्स। और देखो यहां पर, यहां तक सारे डेरिवेशंस सेम रहते हैं, यहां तक सारे डेरिवेशंस सेम है, वेदर वी आर डूइंग इट फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट डजंट हैव एनी डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस आता है क्योंकि एफिशिएंसी का डेफिनेशन दोनों में डिफरेंट है, इसकी वजह से इस स्टेप पर डिफरेंस जो होता है वो फिर से कल्मिनेट हो जाता है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम विल बिकम this or efficiency of the engine will become this only, whether we are doing it in physics or in chemistry। So for Carnot engine की efficiency जो है वो कितनी आई, वो आ गई ये। Now यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि चूंकि sink का temperature, sink का temperature, और एक चीज यहाँ पर हम लोग ध्यान दे लें, ये टी सिंक या टी सोर्स जो है, टी सिंक और टी सोर्स हैज टू बी टेकन इन केल्विन, शुड बी टेकन इन केल्विन, ठीक है। नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, एफिशिएंसी उल्टी पुल्टी आ जाएगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना होता है। So, मतलब efficiency for both physics and chemistry is same only? Yes, the definition, the final formula is same only। अरे 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 रुको जी, वो तो सेम ही रहना पड़ेगा ना। हाँ सर, वर्क का नोशनल मीनिंग ही हमने चेंज किया है ना, एक में वर्क मेरा
पी एक्सटर्नल डीवी है, दूसरे में मेरा वर्क जो है वो पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डीवी है, जिसकी वजह से एक का वर्क पॉजिटिव रहता है दूसरे का वर्क निगेटिव हो जाता है। नहीं बेटा बैठना चाहिए ना, थोड़ा सा बैक में धूप लगेगा, बैक में बोन में धूप लगना चाहिए बेटा, लेट के नहीं, ठीक से रखो प्लेट से, नहीं तो एप्पल गिर जाएगा। थोड़ी देर बैठोगी ना अच्छा लगेगा बेटा, चेयर दे तुम क्या आराम से बैठने के लिए। ये नोट कर लिया हम लोगों ने, तुम क्या हाँ सर चेयर दू। अच्छा परफेक्ट, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। We have completed इसका PDF भेज दो ना, क्योंकि मुझे वो इसका इसके पहले वाला देखना सब भेज देता हूँ, PDF भी भेज देता हूँ और अभी मैं अपलोड भी कर दूंगा। इसको आज के लिए अपडेट ही कर लेना, अगर कुछ छूटा है तो याद से देख करके। क्या होता है सिंक का मीनिंग अ डिवाइस और अ सिस्टम। Is this clear? Absolute temperature जो है वो naturally zero exist नहीं करता है, कहीं पर भी zero Kelvin temperature नहीं है universe में, ठीक है। So you cannot have a sink having temperature 0 Kelvin, right? And if you cannot have a sink having temperature 0 Kelvin, so you cannot have this T sink by source ratio as 0 ever. And ye 0 nahi hoga, to ye value 1 ke barabar, yani eta 1 ke barabar nahi hoga, aur efficiency percentage jo hai 100% kabhi nahi hoga. Is that okay? फिर से एक बार, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज सेम एज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, राइट? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन एम्प्लाइज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, राइट?
efficiency of Carnot engine, the maximum value is always less than 100%, right? It cannot be equal to 100%. ठीक है, यानी किसी भी हीट इंजन की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है. ठीक है, क्योंकि कार्नोट इंजन 100% नहीं हो सकता है, तो बाकी कोई तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये याद रख के रहना. थर्मोडायनेमिक्स HSC में 12th में है, ठीक है ना?